दुर्ग के शंकर नगर वार्ड में हो रही परेशान महिलाओं और युवतियों ने वार्ड पार्षद के रवैये पर निशाना साधते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर दुर्ग पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। दुर्ग के शंकर नगर वार्ड 10 के रहवासियों ने, खासकर महिला व युवतियों ने इन दिनों वार्ड में बढ़ रही असामाजिक गतिविधियों और आपराधिक तत्वों के युवकों द्वारा किए जा रहे छेड़छाड़ से परेशान महिला वार्डवासियों ने तंग आकर दुर्ग पुलिस अधीक्षक के नाम एक शिकायत का ज्ञापन सौंपा, जिसमें वार्ड के ही भाजपा पार्षद पर उन लड़कों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। गौरतलब है कि जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे युवतियों ने बताया कि लगातार कई बार वार्ड में कुछ लड़कों द्वारा महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़छाड़ और गंदे कमेंट्स करने की शिकायत मोहन नगर थाने व वार्ड के पार्षद से की, परंतु आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई न कराकर उल्टा पार्षद से मिले संरक्षण से इनके हौसले और बुलंद हो गए, जिससे महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। इसी कड़ी में आज कोई उचित कार्रवाई न होने से परेशान वार्ड के लोगों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष ज्ञापन दिया और जल्द से जल्द इन आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। देखिए, आज मेरे पास फोन आया इन महिलाओं का कि हमारे वार्ड नंबर 10 में इस तरह की हरकतें हो रही हैं कि वार्ड पार्षद जो हम वार्ड का मुखिया रहता है और वो मुखिया ही इस तरह इन लोगों का संरक्षक न बन पा रहा है। तो ये बहुत बड़ी गलती है। यदि इन लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह की असुरक्षा की भावना रहेगी तो हम और अधिकारियों से क्या अपेक्षा रखेंगे, क्योंकि इन लोग जब जाते हैं थाने में, जा रहे हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं, रिपोर्ट लिखाने के बाद फिर वापस उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। तो ये गलत है। जब तक हम एक सजा नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे लोगों में जो अराजक तत्व के जो लोग रहते हैं, इनको सजा देना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि नहीं तो इनके तो भाव बढ़ते जाएंगे। और आज इतनी सी लड़की जो आज तैयारी कर रही है, अपनी पढ़ाई तैयारी कर रही है, तो वो ये चाहती है, न्याय चाहती है, क्योंकि आज की युवा जो पीढ़ी है वो न्याय चाहती है। ऐसा नहीं कि घर में चुपचाप बैठ जाए, क्योंकि यदि गलत काम हो रहे हैं तो गलत कामों को दूर करने का प्रयास पुलिस विभाग के माध्यम से होना चाहिए। और पुलिस विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि महिलाओं को सुरक्षित रखें, क्योंकि हम जय श्री राम करते जा रहे हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो पहले हम महिलाओं को सुरक्षा तो दें। हम महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं और हम आह्वान करते हैं कि आप सब लोग जय श्री राम करते हुए चलिए अयोध्या धाम। अयोध्या धाम सब कोई जाएंगे, परंतु इस तरह की हरकतें ना करें वार्डों में। और हम चाहते हैं कि पुलिस विभाग के माध्यम से पेट्रोलियम गाड़ी हर वार्डों में चलना चाहिए, क्योंकि अभी ज्यादा से ज्यादा गुंडा तत्व लोग ज्यादा सामने आ गए हैं, क्योंकि उन लोगों के भाव बढ़ गए हैं, क्योंकि उनको ये मालूम कि अब हमारे संरक्षक लोग आ चुके हैं। और ये संरक्षक लोग यदि इन लोगों को संरक्षण देंगे तो हम सब महिलाएं मिल करके, क्योंकि मैं खुद महिलाओं के न्याय दिलाने के लिए काम करती हूँ और कोशिश करूंगी कि महिलाओं को ज्यादा सुरक्षा प्रदान करें। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, क्योंकि अभी हम चाहते हैं कि जो एसपी साहब के माध्यम से इन लोगों को सौंपा गया है कि आप मोहन नगर में जाएं, बात करें, यदि इनको न्याय नहीं मिलेगा तो हम इसके आगे और कार्रवाई करेंगे। हमारे मोहल्ले में जो हमेशा से, जो शुरू से लेके अभी तक के जो गाली गलौज, रात में पीने के बाद लड़कों के द्वारा जो हुड़दंग होते आ रहा है, घर में बम फेंकना एवं अन्य अन्य प्रकार के जो नशाबंदी, इस चीज के कारण पहले हमने मोहन नगर थाने में आवेदन दिया था। लेकिन वहाँ जो हमारे जो पार्षद है, वो सबसे पहले वहां जाके टीआई से समझौता करके वो बच्चों को छोड़ देते हैं, बोलते हैं हमारी गली के बच्चे। फिर वही बच्चे आज हम लोग को रेप करने की धमकी देते हैं पीने के बाद, और अन्य प्रकार के गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करके सभी घर को धमकाते हैं, और यहाँ तक कि फिर वो बम फोड़ के सबको और ज्यादा धमकी दे के और उनको एकदम परेशान करने का एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं। तो इसके लिए आज हम लोग एसपी कार्यालय आए हैं, और एसपी में हम लोग सर से बात किए और सर बोले कि कार्रवाई करेंगे, अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम और जन आंदोलन करेंगे और बड़े बड़ी हड़ताल करके हम लोगों को, महिलाओं को खास रूप से जागरूक करेंगे कि ये चीजें ना हो किसी और के साथ। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।